सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप किसी का भी व्हाट्सअप अपने फ़ोन में चलाना चाहते हैं तो आप उसको कैसे चलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैजाबादी में बहुत बहुत स्वागत है। अगर गाइस आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए फिर हम आपको बताते हैं कि आप जो है किसी का भी व्हाट्सअप अपने फ़ोन में कैसे चलाएंगे। व्हाट्सअप को चलाने के लिए आपको जो है उसका फ़ोन लेना है और उसके फ़ोन में एक OTP जाएगा। OTP को आपको अपने फ़ोन में रख लेना है। फिर आपको हम बताते हैं कि कैसे आप करेंगे। चलिए फिर उसके लिए हम जो है चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर और वहाँ से आपको बताते हैं कि आप कैसे भी किसी के भी व्हाट्सएप अपने फ़ोन में चलाएंगे। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर और अब हम यहाँ से अपना व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 डॉट की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। 3 डॉट की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पर सेटिंग की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पर कोने में एक एरो दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। एरो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका प्रेजेंट व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, जिस नंबर से आपका व्हाट्सएप चल रहा है। और आप किसी और का व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं अपने फ़ोन में तो यहाँ पर ऐड न्यू अकाउंट की ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऐड अकाउंट की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर आपको वेट करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको जो है एग्री एंड कंटिन्यू की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एग्री एंड कंटिन्यू की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज आप सभी लोगों को यहाँ पर उसका नंबर डाल देना है। जिस तरह से आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट बनाए हैं उसी तरह से उसका भी व्हाट्सएप अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए फिर हम जो है अपना दूसरा मोबाइल नंबर डाल देते हैं। सो गाइज यहाँ पर हमने जो है अपना मोबाइल नंबर को डाल दिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कनेक्टिंग हो रहा। कनेक्ट होने के बाद में यहाँ से हम अपना नंबर वेरीफाई कर लेंगे। ये पूछ रहा है कि इन दिस द करेक्ट नंबर, यस ये मेरा करेक्ट नंबर है। इस पर क्लिक कर देंगे यस पे। यस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर जो है OTP वेरीफाई होगा। OTP वेरीफाई होने के बाद में आप जो है किसी का भी व्हाट्सअप अपने फ़ोन में चला सकते हैं। आपको याद रखना है कि OTP ले लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ईमेल भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ईमेल नहीं डालेंगे। नॉट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर एडिंग अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा दूसरा व्हाट्सएप चालू हो गया, जो नंबर अभी हमने डाला था। और आप सभी लोग अगर अपने दूसरे अकाउंट पर जाना चाहते हैं तो इस 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करिए, स्विच अकाउंट कर देंगे तो आप जो है अपने दूसरे अकाउंट में चले जाएंगे, जैसे कि हम अभी अपने दूसरे अकाउंट में आ चुके हैं। सो गाइस, कुछ इस तरह से हम जो है किसी का भी व्हाट्सअप अपने फ़ोन में चला सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दो। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी जरूर करें, क्योंकि हम जो है अपने फेसबुक और यूट्यूब पर ऐसा ही व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।